फैमिली जो थी, शाहजी भोसले इनके पिताजी थे और माता जीजाबाई इनकी माता थी, बचपन में ही उन्होंने इन्हें महाभारत, रामायण और कई सारे ऐसे पौराणिक कथाएं, भगवत गीता जैसी की शिक्षा दीक्षा दी, और देने के बाद में इनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून उनको दिखा और उन्होंने इस जुनून को आगे बरकरार रखा। और उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों में जो है वो गुलामी की मानसिकता है, किस तरीके से लोगों के अंदर एक ऐसा खून है जो खौल ही नहीं रहा है। तो वो देखने के बाद में उन्होंने एक जगह पे गए, मार्वल जैसी जगह थी, वहां पे जाने के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ एक लोग हैं जिनके अंदर ताकत बहुत है, जिनके अंदर जज्बा बहुत है, जिनके अंदर कुछ तो भी अलग करने की चाह है, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो सारे लोग अनगाइडेड लोग हैं, उनको कोई रास्ता नहीं बता रहा है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने साथ में लिया, इकट्ठा किया, और मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके जिसको लोग देखते रह गए, और पूरी जो सल्तनत थी, मुगलिया सल्तनत थी, वो लोग चौकन्ना हो गए कि ये कोई तो भी नया शेर आया है। तो उसी तरीके से हमारे भी यहाँ पे कई सारे इस सिस्टम के माध्यम से अनगाइडेड लोग हैं, जिनको पता नहीं है उनकी मंजिल क्या है, जो बस चल रहे हैं, भीड़ में चल रहे हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में हम देखते हैं कि लोगों की कतारें रहती है, रंजीत सर बखूबी जानते होंगे कि किस तरीके से भीड़ रहती है, और भीड़ के अंदर कोई इंसान चले जाता है तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ की कहाँ पहुंच गया है। तो उन अनगाइडेड लोगों को रास्ता दिखाने का काम आज आदरणीय डी कुमार सर सुबह के मॉर्निंग सेशन के साथ में कर रहे हैं। तो उन सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने इस तरीके के लोगों को, क्षमता तो सब में है, क्षमता हर किसी में है, उस क्षमता को निखारने का, संवारने का और उसको तराशने का काम आज जिस तरीके से उस समय शिवाजी महाराज ने तब किया था, वैसे आज ये मॉर्निंग सेशन हमारे लिए कर रहा है। उन्होंने एक ही बात कही कि ये गुलामी की मानसिकता को तोड़ना है, गुलामी की मानसिकता को तोड़ना है। आज भी टीसी सर यही बात कहते हैं कि जो हम टीवी के गुलाम बने हुए हैं, जो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के गुलाम बने हुए हैं, जो हम बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े एक्ट्रेस के गुलाम बने हुए हैं, उस गुलाम मानसिकता को हमें तोड़ना है। लेकिन बात अगर हम उस जमाने की करें, बात अगर हम तब की करें, 1600 साल की, सन 1600 की बात अगर हम करें, तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर हमें हीरो को अगर जानना है, उस समय पे हीरो जो है हमारे बीच में आज छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो हमें विलन को जानना बहुत जरूरी है। विलन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि बिना विलन के हीरो हीरो नहीं होता। और हीरो को अगर हमें जानना है तो विलन इतना ताकतवर था कि भारत देश में लगभग 300 साल पहले से आक्रमणकारी थे, 300 साल पहले से कोई ना कोई आके हमारे ऊपर राज कर रहा था। ऐसा कंडीशन था कि जहां पे लोग सर उठा के नहीं जी सकते थे, उनको पता नहीं था किस तरीके से आजादी किसे कहते हैं, स्वाभिमान किसे कहते हैं, स्वराज्य किसे कहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि किस तरीके से हमारे देश में क्या क्या चीजें अच्छी है। आज भारत देश की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर पूरे दुनिया में भारत के पास है, सबसे बढ़िया मेटलर्जी। आज हम देखते हैं ऐसे ऐसे लोहे के पिलर, दिल्ली में जाके देखते हैं, आयरन पिलर नाम से एक जगह है, अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है, ना कोई मेंटेनेंस, ना कोई कुछ, ना कोई कोई कुछ नहीं। लेकिन आज हमारा घर के ग्रिल का दरवाजा देखते हैं तो हर साल उसे पेंट करना पड़ता है। तो इतनी बढ़िया ताकत हमारे कंट्री में थी, हमारे देश में थी, और ये सारी चीज होने के बावजूद भी हम गुलाम थे। लोगों ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि एक दिन में पूरे के पूरे गांव उजड़ गए। इतना अत्याचार किया कि लोग हाथ काट दिए गए, जुबान काट दी गई। इतना अत्याचार होने के बावजूद भी हम उसी मानसिकता के साथ डटे रहे, टिके रहे, क्योंकि हमारे अंदर एक खून में जो चीज डाली गई थी वो थी गुलामी का। आज भी हम उसी गुलाम, उसी तरीके से हम जी रहे हैं। कितना भी लोग बताते हैं कि नहीं भैया आरसीएम का इस्तेमाल करो, आरसीएम आपको पैसा देगा, आरसीएम आपको अच्छी जिंदगी देगा, लेकिन आप वही ऐश्वर्या राय के पीछे भागते हैं, वही दीपिका पादुकोण आती है टीवी पे तो उनके पीछे भागते हैं। इस मानसिकता को हमें तोड़ना है तो जरा सा इनकी बातों को हमें समझना पड़ेगा, इन्होंने क्या चीज की वो हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो इनके पास में ना तो मैन पावर था, 15 साल की उम्र में कोई इनके साथ में खड़ा नहीं था, ना इनके पास में तोप गोले बारूद थे, ना इनके पास में पैसा था, ना इनके पास में सपोर्ट था, ना इनके पास में अलायंस थे, ना इनको किसी का साथ था, और फिर भी इन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया कि आज दुनिया उनका नाम लेती है, उनका सलाम करती है। ब्रिटिश में जहां पे जिस देश ने हमारे ऊपर इतने साल राज किया, आज अगर वो कहते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, इतनी बड़ी आबादी में से एक भी आदमी हमारे काम का नहीं था,
लेकिन सिर्फ अगर एक शिवाजी महाराज हमारे साथ में होते तो उम्र ता उम्र हमने पूरी दुनिया पे राज किया होता। तो इतनी बड़ी महान शख्सियत हमारे बीच में थी, लेकिन उनकी शुरुआत कैसे हुई ना, उनके पास में लोग थे जो आज हम कहते हैं कि भैया मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, तो भैया उनके साथ भी कोई नहीं जुड़ा था। आज हम कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे पास में दुकान नहीं है, दुकान बहुत दूर है, दुकान है तो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको पसंद नहीं आ रही है, तो उनके पास भी कोई रिसोर्स नहीं थे। पैसे की बात करें तो इतनी बड़ी लड़ाई जीतना कोई आसान बात नहीं होती है, पैसे काफी लगते थे, लेकिन आज हम कहते हैं कि नहीं भैया मेरे पास तो सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। सपोर्ट की बात करें तो भैया घर वाले मना कर रहे हैं, परिवार वाले मना कर रहे हैं, ससुराल वाले मना कर रहे हैं, लेकिन उनको किसने मना किया होगा, उनको क्या बात कही होगी, उनको क्या बात उस समय पे सूझी होगी जो उनको बिना सपोर्ट के भी आज उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। बात अगर अलायंस की मैं करूं तो कोई साथ में जुड़ना नहीं चाहता, कोई मेरे प्लान को समझना नहीं चाहता, समझने के बाद में उसके ऊपर वर्क करना नहीं चाहता। तो सोचिए उस समय पे जहां पे डिजिटल नहीं था, जहां पे गुलामी थी, जहां पे दो लोग इकट्ठा मिल नहीं सकते थे, इतने कठिन परिस्थिति में भी जहां पे जंगलों में शेर खुले घुमा करते थे, ऐसे टाइम पे उन्होंने जंगल में रह के अलायंस बनाया और इतना बड़ा कारनामा कर लिया, इसीलिए आज उनका नाम लिया जाता है। तो आज हमारे पास में अगर इतनी सारी चीजें हैं, अगर है ऐसा कोई, आज हमारे देश की आबादी 132 करोड़ है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की अगर बात करें तो हर घर में इंटरनेट है, हर घर के पास में दुकान है, कंपनी ने डिस्प्ले वॉल की सुविधा कर रखी है, तो रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है। फंड की अगर मैं बात करूं तो भैया वैसे भी तो खरीद ही रहे थे कहीं ना कहीं से, तो पैसे की तो कमी आपके पास में है नहीं। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो काय का सपोर्ट, किस चीज के लिए सपोर्ट चाहिए, अरे जिस चीज से जिंदगी बदल रही है उसको सपोर्ट की जरूरत है, अरे दुनिया तो खुद ही सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आप शुरुआत तो करके देख लीजिए। अलायंस की बात अगर मैं करूं तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, जनता है, अगर आप दावे से कह सकते हैं कि नहीं भैया आप मेरे साथ में आएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो कौन आदमी नहीं चाहता जिंदगी बदलना, किसको नहीं पसंद है अच्छी जिंदगी, कौन नहीं चाहता 40 लाख के एंडेवर से घूमना, किसे नहीं पसंद इरोज सर की तरह 1 करोड़ का शानदार मकान में रहना, किसे नहीं पसंद रंजीत सर की तरह बड़े बड़े ऊंचे फ्लैट में रहना, कौन नहीं चाहता। लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान में भी छेद हो सकता है लेकिन हमें सिर्फ तबियत से पत्थर फेंकने की जरूरत, तो अलायंस भी हो गए, सपोर्ट भी होगा, फंड भी मिलेगा, रिसोर्सेज भी मिलेंगे, मैन पावर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस हमें जागना होगा। टीसी सर भी कहते हैं हमें जागना होगा। बात अगर मैं इतिहास की करूं तो इतिहास में छत्रपति जी का नाम लिखे बिना इतिहास को लिखा नहीं जा सकता, और उनके इतिहास की एक खास बात है कि उनके इतिहास की जब बात होती है तो सक्सेस जो है वो पर्यायवाची शब्द होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इक्वल्स टू सक्सेस, क्योंकि जहां जहां उन्होंने हाथ डाला है वहां वहां पे उनको कामयाबी मिली है। वो कहते हैं ना हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, हार का भी सामना करना पड़ा लेकिन वहां से वो बाजीगर बन के निकले। आज अगर सवाल मैं यहाँ पे करूं कि कितने लोगों को सक्सेसफुल होना है तो शायद ही कोई हाथ नीचे होगा, शायद ही कोई हाथ नीचे होगा। अगर सक्सेसफुल नहीं होना चाहता तो सुबह 5:30 बजे कोई नहीं उठता था, शायद ही कोई हाथ वहां पे नीचे होगा। लेकिन क्या हर कोई वो बन सकता है, क्या हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, इसके पीछे 3 कारण है, 3 कैटेगरी के लोग है। उन लोगों में थोड़ा सा मराठी शब्द में इस्तेमाल करूंगा तो उसमें होते हैं कष्टाड़ू लोग, मेहनत करने वाले लोग, वो देखते हैं कि यार मैं कितना भी मेहनत करूं मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, तो उनके पीछे पद प्रतिष्ठा इज्जत दौलत शौहरत मान सम्मान सारा कुछ उनके पीछे पीछे आता है। दूसरी कैटेगरी होती है कष्टाड़ू लोग, जो कहते हैं कि मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊं, कि भैया यार तू कर लेना, तू देख लेना, अरे तू वहां जा रहा है वहां से वहां कर लेना सारा काम, तो इस तरीके के लोग होते हैं, तो इनके इनसे दूर भागता है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान। और फिर तीसरी कैटेगरी होती है कसटाड़ू लोग, यानी कैसे मैं इस काम को टाड़ू टालू। तो ये जो कैटेगरी होती है ये सबसे, यानी ये हम देखते हैं कि जो सब सुबह 5:30 बजे नहीं जुड़ पाते हैं वो उस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो पहले कैटेगरी में आते कष्टाड़ू लोग, उनके पीछे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा
सारा चीज उनके पीछे घूमता है। जब हम देखते थे डी कुमार सर, रंजीत सर, इरोज बेग सर हमारी इस नागपुर की धरती पे आते थे तो हम देखते थे कि कितना कष्ट, कितनी मेहनत, 1200 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद में भी चेहरे पे एक छोटी सी शिकंज नहीं होती थी, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद में पट से मीटिंग के लिए जिस रफ्तार से जाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई यानी कुछ थकावट है ही नहीं, ऐसा लगता था कि अभी अभी घर से निकले हैं, कोई यानी हम देखते थे इतना सारा कष्ट, इतना सारा जो है मेहनत करने के बाद में इतनी सारी चीजें उनके पास में, आज हम देखते हैं कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पैसा सारा चीज उनके पीछे पीछे भाग रहा है, बात सिर्फ कष्ट करने की है। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में भी अपॉर्चुनिटी थी और वहां पे रहने वाले हजारों राजाओं के पास में भी अपॉर्चुनिटी थी कि हम जो है बगावत कर सकते हैं, हम जो है लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम जो है मुगलिया सल्तनत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। आज उन्होंने हिम्मत किया, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, उन्होंने उस टाइम पीरियड को समझा कि भैया अगर मुगलों के खिलाफ बगावत करनी है तो 2021 में नहीं कर सकते, आज जिस कंडीशन में है, आज जो तारीख है, आज जो पल है, इसी पल हमें बगावत करनी पड़ेगी, तभी दुनिया में जो है स्वराज का डंका बजेगा। तो वही चीज उन्होंने तभी की, लेकिन अगर वो उससे 50 साल अगर दूर खिसक जाते कि नहीं भैया करेंगे ना, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी हुआ ही क्या है, अभी तो 15 साल का हूं, तो थोड़ी ना कुछ होता था। तो स्किल्स तो सबके पास में होती है, लेकिन बहुत सारे लोग उस स्किल को जो है समझ नहीं पाते, पता होने के बाद में वो कहते ना कष्टाड़ु लोग कैसे टाल सकते हैं, तो स्किल को बाजू में रख के आराम को पसंद करते हैं। इसी वजह से जो लोग हैं वो उस गद्दी तक, उस तख्त तक, उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां पे वो सपना देखते हैं पहुंचने का। बात आगे की अगर मैं करूँ, प्रिपरेशन इज की, ये सबसे बड़ा उनका मोटो था। हर किसी ने पिक्चर देखी थी, तानाजी करके एक मूवी आई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जब पुरंदर की ट्रीटी हुई थी तो उस समय कई किले उनके उनके हाथ से छूट गए थे, जिनमें से एक किला था प्रतापगढ़ का किला, और उस किले के बारे में काफी सारे लोगों ने शायद देखा भी होगा, कोई अगर अनम्यूट हो तो जवाब भी दे सकते हैं। तो मूवी को कई सारे लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, देखने के बाद में एक चीज तो ध्यान में आ गई होगी कि कितना कठिन था उस किले तक पहुंचना, उस जगह तक पहुंचना। अरे जी मैं देखा हूँ ताना जी, मैंने भी देखा, कोंडाना वाला जी जी। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं कितना मुश्किल था वहां पे जाना, लेकिन उसकी तैयारी कितनी बढ़िया थी। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की हाइट होगी 5-6 फीट की, लेकिन जब अफजल खान वहां पे खड़ा होता 6.5-7 फीट का आदमी, इतना विशाल का शरीर, इतना बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटी, जो उनकी एक बाजू में अगर उनको दबा दे तो पूरा पिचक के पापड़ बन जाए, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी उन्होंने युद्ध को नहीं चुना, उन्होंने गरिमी कावा का इस्तेमाल किया, उन्होंने गुरिला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, और तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि उनको पता था कि वहां पे जाने के बाद में उनके ऊपर काउंटर अटैक हो सकता है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर में जो कहते हैं मेटल का एक होता है जिसे मराठी में चिलखत कहते हैं, शील्ड उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर में छुपा के रखा, 2-4 खंजर, वाकनक पंजे, ये सारा चीज बड़ी तैयारी के साथ में गए। जब किताब में शिव चरित्र करके किताब है उसमें लिखा गया है कि उन्होंने इसकी तैयारी इतनी की थी कि उनके मुकुट के अंदर जो बाल थे वो बाल भी कोई हाथ में ना पकड़ सके, इतने बारीक बारीक वो बाल थे, दाढ़ी को इतनी तरीके से इतना बारीक करके रखा था कि कोई दाढ़ी को पकड़ ना सके, इस तरीके की उन्होंने दाढ़ी बनाई थी, नाखूनों को इतना लंबा कर दिया था कि कोई अगर वो नाखून से भी अटैक करे तो भी वो आदमी को इतना घाव कर सके कि वो अपनी जान गंवा सके। बात अगर तलवार की थी तो इतनी हल्की तलवार उन्होंने उस समय पे इस्तेमाल की थी कि लोगों को लगे कि इनके पास में तो कुछ हथियार है ही नहीं। कपड़ों की बात करें तो नीचे से उन्होंने एक फ्रॉक टाइप का जो होता था वो पहना हुआ था ताकि उसके अंदर जो है कई हथियार उसमें समा सके, इतनी बारीक तैयारी। दिन अगर चुनना था तो उन्होंने ऐसा दिन चुना, समय ऐसा चुना कि दोपहर का समय, अफजल खान जो थे वो पहाड़ के ऊपर थे, शिवाजी महाराज जो थे वो उनसे भी
ऊंचे स्थान पे पहुंच के उन नीचे वहां से उतर रहे थे, तो नीचे उतरते वक्त में जब अफजल खान ऊपर की तरफ देखते थे तो सूर्य का प्रकाश इतना रहता था कि उनको दिखाई नहीं देता था कि किस तरीके से कौन नीचे आ रहा है और कितने लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके की दिन की रचना, सूर्य जिस दिन ज्यादा तेज है, दिन जिस दिन ज्यादा लंबा हो, उसके बाद में जो है फील्ड वहां की प्लेसमेंट जंगलों में, इतने सारे उन्होंने अपने माड़ों को वहां पे 2-3 महीना पहले से रखा था ताकि वो वही के निवासी लगे। तो इतनी भयंकर तैयारी उन्होंने की थी कि वहां से अगर उनको उनको पता था कि अगर वहां से अगर वो कोई भी चूक हुई तो जान से वो गवा बैठेंगे, लेकिन इतनी बढ़िया तैयारी उन्होंने की। तो आज हम नाम याद रखते हैं, सभी लोगों को नाम याद है, वो किस्सा याद है, लेकिन बात अगर हम हमारे बिजनेस की करें तो ऐसी तैयारी करते हैं कि भैया प्लान बुक तो भूल ही गए, अरे यार पेन दे दीजिएगा आप, प्लान दिखाना है, अरे भैया नेटवर्क ही नहीं है, लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, जूता पॉलिश नहीं है, सॉक्स फटा हुआ है, टाय तो घर पे ही भूल गए, बेल्ट जो है वो फटा हुआ है, कॉपी पेन देखे तो आधी तो भरी हुई है, डायरी अगर देखे तो कोई तीसरी कंपनी की डायरी है। तो ऐसी तैयारी के साथ अगर हम जाते हैं तो थोड़ी ना हम कुछ कर पाएंगे। प्यास से जरा हम सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बात उन्होंने एक नाखून तक, उन्होंने नाखून तक सर के बाल को तक उन्होंने गिनती में रखा कि इसका भी क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन आज हम करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलने की बात अगर करते हैं तो उस समय हमारी भी तैयारी कैसी होनी चाहिए। वाह क्या बात, हमारी भी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए, हमें भी किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, हमें भी बराबर प्लान बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, डुप्लीकेशन जो चीज होती है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सही टेप उनको देना चाहिए, सही किताब उन्हें देना चाहिए, सही किताब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तभी तो ना हमें जो चाबी है जिस ताले को हमें खोलना है वो चाबी हमें मिलेगी। ये प्रिपरेशन था। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन किसी के लिए सही नहीं होती है, कंडीशन जो है वो हर किसी के लिए खराब होती है। जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है, कोई इंसान, कोई इतिहास में ऐसा इंसान नहीं है कि जिनको जो अगर बोल दे कि भैया मेरी कंडीशन बड़ी मस्त थी, आज अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में पहले से इज्जत दौलत शौहरत पैसा ताकत और मां सारी चीजें थी, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। हर किसी के लिए कंडीशन खराब होती है, हर किसी को चैलेंजेस आते हैं, हर किसी के लिए जो है समस्याएं आती है। कोई भी अगर नेक काम करने जाए तो सबसे पहले प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है, वो पहले देखती कि भैया तू लायक तो बन, और बना है तो मैं चेक करता हूं तू लायक है कि ना लायक है, तेरे में उतनी कुवत है तू इस सफलता को संभाल सके, तेरे अंदर वो काबिलियत है जो तू आगे बढ़ सके। तो पहले ही जो है वो प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है। परीक्षा ऐसे लेती है कि पहला प्लान दिखाने जाते हैं तो वो बोल देता है कि भैया मेरे को तो जुड़ना ही नहीं है, तो हम चले आते वापस। परीक्षा ऐसी होती है कि भैया सामान खरीदने जाए तो हेल्थ गार्ड के अलावा कुछ मिले ही ना दुकान में। परीक्षा ऐसी भी होती है कि जब हम किसी को बताने जाए तो वो उल्टा हमें समझा के भेज दे। तो परीक्षा बहुत होती है, चैलेंजेस बहुत आती है, कंडीशन बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस कंडीशन में भी हमें जो है आगे बढ़ना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखना चाहिए। क्योंकि ऐसी एक कंडीशन आई थी जब उन्हें जो है दिल्ली में कैद करके रख दिया था, कैद करने के बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके साथ में उनके बेटे भी जो थे वो भी कैद हुए थे, लेकिन इस कंडीशन में बाकी कोई होता तो रोते बैठता बिलखते बैठता, कहता यार गया मराठा साम्राज्य तो गया, जिस तरीके से मूवी में कहते थे ना ठाकुर तो गियो, तो उसी तरीके से साम्राज्य तो गियो, ऐसा ही चीज होता। लेकिन उन्होंने उस समय पे दिमाग लगाया, उन्होंने रोते नहीं बैठे बिलखते नहीं बैठे, उन्होंने आगे की व्यू रचना की, आगे में क्या सुधार करना था, आगे में क्या चीज करना था। तो एक नाटक के जरिए एक ढोंग उन्होंने किया कि मैं बीमार हूँ, लोगों तक में मिठाई पहुंचाई जाए, और उस मिठाई के टोकरे में बैठ के वो बाहर निकले। उस किस्से की अगर बात करें तो कई सारे डिटेल्स है जो कि उसमें हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो इस कंडीशन को भी उन्होंने पार किया और आज जो है मराठा साम्राज्य का जो झंडा है उसके बाद में पूरे देश में उन्होंने घुमाया। तो कंडीशन भैया हर किसी के लिए खराब है, लेकिन उसको सुधारना भी हमारे हाथ में है। वो तो प्रकृति है, वो तो नेचर है, उसको बदल नहीं सकते। कंडीशन तो खराब आएगी ही आएगी, यानी आएंगी ही कंडीशन खराब आएगी ही, लेकिन उसका हमें किस तरीके से सामना करना है उसको हमें ध्यान में रखना है।
उसके बाद में सबसे बड़ा मैनेजमेंट लेसन उनसे हमें सीखने को मिलता है, वो है माइक्रो गोल। माइक्रो गोल के ऊपर अगर किसी राजा ने, किसी व्यक्ति ने अगर सबसे बढ़िया काम किया है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। माइक्रो गोल पे काम किया, जिस समय पे उनकी पुरंदर की ट्रीटी हुई थी, जब वो हार गए थे तब उन्होंने छोटे छोटे गोल सेट किए थे। जब वो किसी किले को जीतने जाते थे तब वो छोटे छोटे गोल सेट करते थे, छोटे छोटे टारगेट देते थे कि भैया फलाना आदमी इस दरवाजे से इतना काम करेगा, इतना यहां से कोई जाएगा, वो रस्सी का काम इस आदमी का है, वो करने के बाद में बस छोटा सा, हमें वो छोटा सा किला है उसी को जीतना है। एक किले के इर्द गिर्द 10 किले होते थे जो कि बड़े किले को बचाने के लिए होते थे, तो वो छोटे छोटे किले को अटैक करते थे और एक साथ करते थे, इतनी बड़ी सेना को इकट्ठा करते थे, लेकिन उनको टारगेट जो है वो छोटे छोटे देते थे। तो उसी तरीके से हम भी अगर माइक्रो गोल पे काम करें, उसी तरीके से हम भी छोटे गोल बना के काम करें, लेकिन दिन का बनाए, महीने का छोटा गोल नहीं, घंटे का छोटा गोल बनाए, साल का छोटा गोल ना बनाए। तो उस तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो बहुत शानदार। और जिस तरीके से उन्होंने उस समय पे कई किले जीते, तो हम भी आज अगर इस सिस्टम में है तो कई सारे किलों को जीतने के लिए है, कई सारे लोगों के मन को जीतने के लिए है, कई सारे लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाने के लिए है। तो हमें भी अगर इन किलों को जीतना है तो हमें भी माइक्रो गोल को अपनाना पड़ेगा। बात जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में शिवाजी का डंका बज गया था, शिवाजी महाराज का डंका बज गया था, तो वहां पे कई पोर्तुगीज लोग आते थे, एज अ टूरिस्ट बन के आते थे, क्योंकि नेवी का जो निर्माण है, जो इंडियन नेवी जो आज हम देखते हैं सफेद कलर के यूनिफॉर्म में, कई सारे हमारे भाई वहां पे तैनात होते हैं, तो नेवी का निर्माण जो किया था वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, इतनी दूरदृष्टि उनकी थी। तो एक पोर्तुगीज जब आए तो उन्होंने पूछा कि भैया कौन शिवाजी कौन है, तो दरबार में उन्होंने जवाब दिया कि इंद्रजिमी जम्ब पर, वाड़ सुरंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पौनवरी वाह पर, शंभु रत्नाह पर, जो हो स्रस्त बाह पर, राम दिग्वराज है, दाव द्रुपदंड पर, चीता मृगदंड पर, भूषण वृत्रंड पर, जैसे मृगराज है। यानी जिस तरीके से जंगलों में एक मोर होता है, तेज तम अंश पर, कान्हा जिम कंस पर, जिस तरीके से कान्हा जो है, श्री कृष्ण जो है, जिन्होंने कंस की छाती पे बैठ के उन्होंने जो है जीता था, तो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो इस तरीके का वर्णन उस समय पे इनके लिए हुआ था। तो आगे भी जब हम इस बिजनेस को करेंगे, आगे भी जब हम हमारे व्यापार को बढ़ाएंगे, आगे भी जब हम कई सारे लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाएंगे, इस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, हेल्थ कार्ड जैसे प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, हरी संजीवनी को हर एक किसान तक पहुंचाएंगे, उस समय पे हमें भी इसी दर्जे से, हमारे लिए भी ऐसी कुछ व्याख्याएं हमारे लिए भी रचना होगी, क्योंकि हम भी किसी स्वराज्य से कम का कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम भी लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं, हम भी लोगों को स्वतंत्रता देने का काम कर रहे हैं। जो लोग टीवी के, वो 50 इंच 30 इंच की टीवी के अंदर जो कैद है, उन लोगों को वहां से छुड़ाने का काम हम कर रहे हैं। कठिनाई तो आएगी ही, लेकिन जब हम वहां से एक दायरा जो है, एक लेवल जब हम वहां से थोड़ा सा आगे जब निकल जाएंगे, तो हमारे लिए भी इस तरीके की व्याख्याएं, हमारे लिए भी इस तरीके का कुछ ना कुछ होगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो हमने पहले भी की है, वो हमारे लिए होगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर शिवाजी महाराज ने काम किया था, वो था स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये बात तब की है जब मिर्जा राजे जयसिंह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा दिया था, और उन्होंने मुगलों के साथ में मिल गए थे, मिर्जा राजे जयसिंह, वैसे राजे जयसिंह नाम था, लेकिन मुगलों के साथ मिलने के बाद में उनको मिर्जा का दर्जा दे दिया गया था, और उन्होंने उस समय वो युद्ध जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद में इनके पास से 23 किले जो है उन्होंने ले लिए थे। 23 किले जब ले लिए तो 3.5 साल का छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ब्रेक लिया, 3.5 साल का ब्रेक। ज्यादा जिंदगी उनकी थी नहीं, 50 साल तक ही वो जिए, लेकिन उसमें भी 3.5 साल का ब्रेक लेने के बाद भी उन्होंने देखा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। वहां पे रोते नहीं बैठे, बिलखते नहीं बैठे, यार मैं तो हार गया, मेरे तो 23 किले चले गए, उसके लिए कितनी कुर्बानी दी थी, कितना दूर मैं गया था, कितना पेट्रोल मैंने खर्च किया, कितना उसको समझाया, कितनी अपलाइन को लेके गया, कितने मीटिंग वहां पे किए, उसको कितने फोन मैंने किए। तो ये जो भी चीजें है वो
वहां तक के वो पहुंचे और उन्होंने उनको बताया। लेकिन उसके बाद में भी जब ये सारा चीज होने के बाद में उन्होंने रोते नहीं बैठे, उन्होंने स्वॉट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को जाना समझा। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी। म्यूट हो गए सर आप। जी 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 सर। तो स्ट्रेंथ पे उन्होंने फोकस किया कि हमारी कंपनी जो हमारे लिए काम कर रही है वो हमारी स्ट्रेंथ है, क्वालिटीज जो है हमारे अंदर जो है वो जो हमें लोगों से अलग करती है वो हमारी स्ट्रेंथ है, जो रिसोर्सेस हमारे पास में है, जो नॉलेज हमारे पास में है। आज हम देखते हैं राजकुमार सर जो है इतना बड़ा उनका स्किल है, टैलेंट है। हमारे बीच में कई सारे ऐसे साथी है जो जॉब के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्किल उनमें था। कई साथी ऐसे जो है जो स्किल के साथ में इस बिजनेस को नई स्किल सीखने के लिए किए, कोई जो है आईटी का वर्क अच्छा कर रहा था, कोई किसी चीज का वर्क अच्छा कर रहे थे, तो उनकी वो स्ट्रेंथ थी। और उसके साथ में उन्होंने रिसोर्सेस को इकट्ठा किया, उन्होंने देखा कि हमारे पास में क्या कुछ है, हमारे पास में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ा कैपिटल हमारे पास में है, भले ही वो छोटा क्यों ना हो लेकिन उनको तब वो बड़ा दिखा। उनके पास में टेक्नोलॉजी भले ही छोटी हो लेकिन उनको तब वो बड़ी दिखी। उनके पास में बहुत कुछ छोटा सा ही था लेकिन उन्होंने इतना बड़ा विजन था कि उनको वो सारी चीजें बहुत बड़ी लगने लगी। आज हमारे पास में भी जब हम बात करते हैं कि नहीं भैया मैं जो हूँ जब दुकान लग जाएगी तब मैं काम करूंगा, जब प्रोडक्ट वहां पे आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा, अरे भैया दो प्रोडक्ट तो है, दो प्रोडक्ट पे करो ना काम। बात अगर छोटे से सर्फ के पैकेट की करें, 10 रुपए का सर्फ का पैकेट होता है, 4 दिन चलता है। महीने भर की बात करें तो लगभग 10 दिन वो पैकेट, 10 पैकेट 10 रुपए का पैकेट मात्र सर्फ का 10 पैकेट लगते हैं, यानी 100 रुपए का तो सर्फ ही लग गया घर में। 100 घर एक एरिया में अगर हम देख ले तो 10,000 का तो सर्फ ही जा रहा है। और भारत देश में तो 40 लाख गांव है, कितने जनसंख्या है, क्या कुछ नहीं एक 10 रुपए का सर्फ का पैकेट कर सकता है। लेकिन हम हमारी स्ट्रेंथ को नहीं देखते, हम देखते हमारी वीकनेस को कि भैया हम जो है कहाँ पे पीछे है, हम जो है कहाँ पे है, और उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हमें उन्होंने भी उस चीज को समझा और वीकनेस जो है उसको देखने के बाद में उन्होंने उसका एनालिसिस किया और उसके ऊपर कवर अप किया, उसको रिमोल्ड किया और अपॉर्चुनिटी को देखा कि कितनी बड़ी संभावना है। आज मेरे पास में भले 30 किले गए लेकिन इस देश में इतने सारे किले हैं, इतने सारे दक्षिण में अगर देखे तो इतने सारे किले हैं जहां पे निजामों का राज था, ऊपर में अगर देखे नॉर्थ में तो जहां पे मुगल बादशाह थे, वेस्ट में अगर देखे तो कई सारे अफगान वगैरह थे, ईस्ट में अगर देखे तो बंगाल से लेके तो सिक्किम तक के पूरा दुनिया खाली थी। तो हम क्यों रोते बैठे 23 किलो के लिए, हम क्यों बैठे कि भैया वो एक खरीदी नहीं कर रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, हम क्यों ऐसे रुक जाए कि भैया वो तो जुड़ा नहीं, मैं क्यों अभी जुड़ू, पहले उसको जुड़ने दो फिर मैं करूंगा काम। तो ये सारे बहाने हैं और इससे हमें थ्रेट हो सकता है, इससे हमें खतरा हो सकता है। खतरा किस लिए, खुद के लिए हो सकता है, उन्हें भी खतरा था। अगर वो रोते बैठते थे तो शायद पूरा साम्राज्य का नाम खत्म हो जाता था, आज शायद इस पीपीटी में 20 मिनट का जो समय हम दे रहे हैं वो भी नहीं दे पाते थे। मरने के बाद में भी आज उन्हें कितने सालों तक याद किया जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा, उन्होंने देखा कि भैया इतने ही तो गए हैं, अरे लाखों आएंगे। और उसके बाद में 3.5 साल के बाद में 8 महीनों में 360 किले उन्होंने जीते, 360 किले 360 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से करते हुए 360 किले उन्होंने जीते। तो हम भी अगर हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को अगर ध्यान में रखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्षमता क्या है, हमारी कमजोरी क्या है और अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और उससे नुकसान कितना बड़ा होने वाला है, तो हम भी जो है सर स्टार रूबी की बात करते हैं तो कोई गलत बात नहीं कहते, वो भी हम इसमें इस साल 2 साल 3 साल के भीतर हम ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को हमें समझना है, जानना है और इसी के ऊपर हमें वर्क करके हमारी कामयाबी इसी से निश्चित होगी। और एक इसके बाद में एक छोटा सा उनका जो है एक और चीज थी जो थोड़ा सा मैं मूवी मत चलाइएगा परेश जी। जी सर। मूवी का कोई पार्ट होगा तो मत चलाइएगा। नहीं 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 सर, वो छोटा एक क्लिप है,
वो चलते रहेगा। इस तरीके का उनका जो सम्मान था, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। ये सब तब हुआ जब उन्होंने एनालिसिस करके इतना सारा कुछ किया, इस तरीके का उन्होंने जो है रचना की, इस तरीके की उन्होंने की लीडरशिप थी। तो इस चीज को हमको समझना है, लोगों को जागरूक किस तरीके से किए वो चीज हमें देखना है। और उसके बाद में जो है उनका एक कहना था कि समय बदलते रहता है, समय जो है वो बदलते रहता है, लेकिन हम अगर समय को पकड़ के रख दिए तो उसको बदलने कैसे कैसे बदलेगा। तो समय को हमें छोड़ना है, उसको हमारी पकड़ से छोड़ना है और बदलाव के ऊपर हमें वर्क करना है। जब तक हम बदलने की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक के बदलाव जो है वो होगा नहीं, और बदलाव अगर होगा नहीं तो हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, और जिंदगी नहीं बदलेगी तो हमारा जीवन जो है सफल नहीं होगा। आज आदरणीय डी कुमार सर हमारे लिए किसी छत्रपति शिवाजी से कम नहीं है, जो इतना बड़ा बीड़ा उन्होंने उठा के रखा है, 1000 स्टार रूबी का बीड़ा उन्होंने उठा के रखा है, स्वॉट एनालिसिस उन्होंने किया हुआ है, उनका विजन है, सारी चीजें है। तो हमें बस उनको सपोर्ट करना है, हमें उनका साथ देना है। साथ देने के बाद में जिस तरीके का साम्राज्य का झंडा आज छत्रपति जी उठा के रखे है, तो उसी तरीके से हम भी आरसीएम का झंडा बड़ी बुलंदियों के साथ ऊंचे आसमान में लहराएंगे और जन जन तक इस सिस्टम को, इस प्रोडक्ट को, व्यवस्था को पहुंचाएंगे ताकि लोक कल्याण हो। और तब स्वराज्य की बात की थी, आज आर्थिक आजादी की घोषणा आदरणीय टीसी सर करते हैं, तो आज हम उस आर्थिक आजादी को भी हम छू लेंगे, हम उसे प्राप्त कर लेंगे। बस इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर।